बच्चों आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए हमें गिवन फिगर है, इसमें एंगल आर दिया हुआ 40 डिग्री, एंगल बी 95 डिग्री एंड एंगल एस 75 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द एंगल एस क्यू टी, हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो सबसे पहले जो हम इस फिगर में देखिए, हम पी टी आर एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस एंगल का हमें पता चल जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। उसके बाद इन ट्राई एंगल एस क्यू टी में हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमें गिवन है वो लिखेंगे हम गिवन एंगल पी आर टी, पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी, देखिए एंगल आर पी टी इज 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड एंगल एस क्यू टी। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एंगल एस क्यू टी हमने फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम फिगर, देखिए फ्रॉम फिगर हमारे पास जो है एंगल पी 95 दिया आर, और हम यहाँ से टी निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल पी आर टी में देखिए हमारे पास जो एंगल है एंगल आर पी टी गिवन है, प्लस एंगल पी आर टी, पी आर टी प्लस एंगल देखिए पी टी आर, तो हमारे पास जो है एंगल पी टी आर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। हमें पता है ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो वाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हमने किया। सो दैट इम्प्लाइज आर पी टी 95 डिग्री प्लस एंगल पी आर टी 40 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज 95 प्लस 40, 135 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो इज इक्वल टू 180 में से 35 लेस करेंगे, 10 में से 5 लेस करेंगे 5, 7 से 3 लेस करेंगे 4, 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल जो है पी टी आर क्या आ गया 45 डिग्री। सो यहाँ पर देखिए पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, पी क्यू एंड आर एस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास पॉइंट टी के ऊपर। तो हमें पता ही क्या है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल पी टी आर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर, ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। सो दैट इम्प्लाइज एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने निकाली है 45 डिग्री। सो आफ्टर दिस इन ट्राइंगल, देखिए जो हमारे पास है ट्राइंगल एस टी क्यू, इस ट्राइंगल में इस एंगल का हमें पता चल गया 45 डिग्री, एस का पता हमें 75 डिग्री, हमने यहाँ से क्यू एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए फ्रॉम फिगर जो हमारे पास इन ट्राइंगल एस टी क्यू, ट्राइंगल जो हमारे पास एस टी क्यू, सो टी एस क्यू एंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पर, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल टी एस क्यू हमें दिया है 75 डिग्री प्लस एंगल एस टी क्यू हमने फाइंड आउट किया भी 45 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट इम्प्लाई 75 डिग्री प्लस 45, 5 प्लस 5 इज 10, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारे पास क्या आ जाएगी 180 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो दैट इम्प्लाइज एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो यही हमने फाइंड आउट करना था, एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है डायग्राम। इस डायग्राम में हमें दिया हुआ है एंगल P इज 90 डिग्री एंड एंगल SQR इज 28 डिग्री, एंगल QRT, दिस पॉइंट इज T, एंगल QRT इज 65 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो देखिए ये क्या हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, सो सम ऑफ इंटीरियर, इस एंगल का सम और इसका किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। सो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए PQ पैरेलल टू ST है, ये क्या बन जाएगी हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इस एंगल के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम इन ट्राइंगल PQS में तीनों एंगल्स का बाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमें गिवन है, लिखेंगे गिवन PQ पैरेलल टू PS, सॉरी गिवन PQ परपेंडिकुलर टू PS, जो PQ हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, PS के, एंड PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR। देखिए PQ किसके पैरेलल है, SR के। इसमें हमें गिवन है एंगल PQ पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR एंड एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT, QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो सॉरी इसका जो है फ्रॉम फिगर देखिए हमें पता है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल इज एंगल QRT इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो एक्सटीरियर एंगल QRS, देखिए एक्सटीरियर एंगल QRT किसकी इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के हमारे पास SQR, एंगल SQR प्लस एंगल QSR, एंगल QSR। तो देखिए हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 65 डिग्री इज इक्वल टू SQR, एंगल है हमारे पास 28 डिग्री प्लस एंगल QSR, सो दैट इम्प्लाइज 65 डिग्री, ट्रांसपोजिंग 28 टू द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स -28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QSR। सो दैट इम्प्लाइज 65 से 28 लेस करेंगे, 15 में से 8 लेस करेंगे 7 एंड 5 में से 2 लेस करेंगे 3, 37 इज इक्वल टू QSR और एंगल QSR इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो देखिए हमारे पास QSR एंगल जो है 37 डिग्री आ गया। सो नाउ PQ पैरेलल टू SR एंड SQ बीइंग ट्रांसवर्सल लाइन, SQ बीइंग ट्रांसवर्सल लाइन, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 37 डिग्री बिकॉज, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये आ जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। सो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस में, देखिए तो हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस, हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, एंगल हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की, एंड क्यू या पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्यू पी एस एंगल है 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस, पी क्यू एस है हमारे पास एक्स प्लस पी एस क्यू इज बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने यूज कर लेना इक्वेशन नंबर 1 का, 90 डिग्री
प्लस एक्स की वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दैट इम्प्लाइज देखिए प्लस करेंगे 70 प्लस 77 9 प्लस 3 12 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री. सो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखिए वाई इज इक्वल टू 180 में से 127 लेस करेंगे 10 में से 7 लेस किए 3 7 से 2 लेस किए 5 53 डिग्री. हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 53 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री. x की वैल्यू हमारे पास 37 डिग्री. तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 6.3. बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे कल यूनिट नंबर 7 स्टार्ट. और सभी बच्चे जो हैं यूनिट नंबर 6 को रिवाइज करेंगे. इसका आपका यूनिट नंबर 6 का 2 डेज के बाद टेस्ट होगा. थैंक यू.